बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस की ओर से सोमवार को कई जगह आंदोलन किया गया। जिस बारे में जब पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए को पूछा गया तब तीखे शब्दों में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी नौटंकी पार्टी है। उन्हें गरीब जरूरतमंद लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खुद की प्रसिद्धि के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। नौटंकी पार्टी है, गरीबाचं काही घेणं नाही। आज हा प्रश्न राज्य सरकारचा संबंधित आहे। 15 लाख लोक उपाशी मरता है, 50,000 परिवाराचा अन्न बंद केलं चालू असलेलं, संजय गांधी योजनेचे पैसे देत नाही है, आणि दुसरीकडे नाटक कंपनी करता है केवळ प्रसिद्धी करता हे आंदोलन है। पण खरा जर जीव अटकला त्या गरीब माणसाचा अटकला है यांना कांग्रेस पार्टीने न्याय दिला पाहिजे। हा मोगलशाही है एक प्रकार की, म्हणजे रेशनच्या दुकानात लॉकडाऊनमुळे जाऊ शकला नाही, तुम्हीच त्याला लॉकडाऊनमध्ये घरी थांबवलं आणि आत्ता त्यांचे रेशन कार्डच बंद करून टाकले। आणि एक दोन नाही आहे, 50,000 लोक असे आहेत ज्यांचे रेशन कार्ड बंद केले।